सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रॉबर्ट चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को लाइटरूम का टॉप 50 एक्सएमपी फीचर देने वाला हूं, जिसका आप लोग इस्तेमाल करके एक क्लिक के अंदर आप लोग अपने फोटो को यहां पर इस तरह का एडिटिंग कर सकते हो, जो कि आप लोग को मैं यहां पर सैंपल दिखलाता हूं। इस तरह का फोटो को आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। और कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि भाई एक्सएमपी क्या होता है, तो एक्सएमपी फीचर का यूज करके आप लोग अपने फोटो को एक क्लिक के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, और DNG प्रीसेट का आप लोग यूज करके कॉपी पेस्ट करके फोटो को यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। तो प्रीसेट आप लोगों को कहाँ मिलेगा और कैसे आप लोग एक क्लिक के अंदर फोटो को एडिट कर सकते हो, ये जानने के लिए आप लोग को वीडियो को लास्ट से वॉच करना पड़ेगा। और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोगों को, तो इस वाला वीडियो को आप लोग एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अपने फोन के अंदर लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पर इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करते ही आप लोग सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा, अभी आप लोग देख ही सकते हो। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, कैमरे के जस्ट बगल में एक मतलब ऐड फोटो के नाम से टूल देखने को मिलेगा, तो इस वाला ऐड फोटो के आइकॉन पर टैप करके सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को मतलब कोई भी एक अपने फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने फोटो को यहाँ पर ऐड करके दिखलाता हूँ आप लोग को। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली इस वाला फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब सेकेंड स्टेप के अंदर आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पर आप लोग को प्रीसेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मार्क करके दिखलाता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इस वाले प्रीसेट्स के ऑप्शन पर एक बार आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, शेयर के जस्ट बगल में थ्री डॉट नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले थ्री डॉट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसको आप लोग को नीचे की ओर इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट प्रीसेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मार्क करके दिखलाता हूँ। तो इस वाले इंपोर्ट प्रीसेट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है इस तरह से। तो आप लोग साना यहाँ पर आपका फाइल खुल के आ जाएगा, अभी आप लोग देख ही सकते हो। तो जिस फोल्डर में आपका मतलब यहाँ पर फाइल होगा, फाइल पहले आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप लोग मतलब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पहले से ही करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस वाला फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ जिस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया, जिस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हर किया था, उस वाला फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मतलब एक वाले फोल्डर पर एक बार इस तरह से प्रेस करना है और यहाँ पर क्या करना है, थ्री डॉट के ऑप्शन पर टैप करके सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर एक बार आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आपका मतलब यहाँ पर प्रीसेट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी आप लोग को दिखलाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है आप लोग के सामने राशमन फोटोग्राफी लिख के। तो इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है और अभी आप लोग को दिखलाता हूँ कैसे आप लोग एक क्लिक के अंदर फोटो को यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो, जो कि देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एक क्लिक के अंदर हमारा फोटो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एडिटिंग हो रहा है। ये मतलब येलो कलर टोन है, ब्लू कलर टोन है, ग्रीन कलर टोन है, सिल्वर कलर टोन है, ऑरेंज कलर टोन है, लेमो ग्रीन कलर टोन है। आप लोग देख सकते हो हर कलर टोन का आप लोग को यहाँ पर प्रीसेट देखने को मिल जाता है। जिस कलर टोन के अंदर आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर एडिटिंग करना चाहते हो, उस कलर टोन को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ये मतलब यहाँ पर सिनेमेटिक कलर टोन है, आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग एक क्लिक के अंदर अपने फोटो को यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये वाला मतलब प्रीसेट पसंद आया है और मुझे यहाँ पर कुछ भी मतलब चेंज करना है, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीसेट को सेलेक्ट करके यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा और फेस वगैरह को सही करने के लिए एडिट के ऑप्शन पर टैप करके, कलर के ऑप्शन पर टैप करके, यहाँ पर मिक्स टूल के आइकॉन पर टैप करके, ऑरेंज कलर के ऑप्शन पर टैप करके इसके लूमिनस को आप लोग बढ़ा या घटा के देख सकते हो। जितना आप लोग मतलब माइनस स्कोर करोगे उतना आपका फेस यहाँ पर सही होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हल्का सा प्लस स्कोर करके यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ इस तरह से। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली बैक के आइकॉन पर टैप करके फिर से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तीन चार फोटो को यहाँ पर ऐड करके दिखलाता हूँ आप लोग को।
तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ मतलब विदाउट एडिटिंग पिक को यहाँ पर ऐड कर लिया। आप लोग देख ही सकते हो, ये सब देख सकते हो। अगर इस तरह का पिक को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आप लोग को दे दूंगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, जिस फोटो को आप लोग को एडिटिंग करना है उसको सिलेक्ट करना है और वन क्लिक के अंदर प्रीसेट को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, प्रीसेट्स के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा ये वाला आइकॉन के ऊपर। और यहाँ पर क्या करना है, अगर प्रीसेट नहीं शो हो तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, योर्स वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्रीसेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर एक क्लिक के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर ये वाला कलर टोन कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर देख सकते हो। यहाँ पर फेस खराब हो जाए, यहाँ पर डन के ऑप्शन पर टैप करना है, कलर वाले ऑप्शन पर टैप करके, मिक्स टूल के ऑप्शन पर टैप करके ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसको माइनस स्कोर करना है और ऑरेंज और सॉरी रेड कलर को भी माइनस स्कोर कर देना है इस तरह से। तो फेस यहाँ पर सही हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाला मतलब फोटो के ऊपर प्रीसेट को अप्लाई करके देखता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, प्रीसेट के ऑप्शन पर टैप करके, योर्स वाला ऑप्शन को टैप करके यहाँ पर इस वाला फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जिस कलर टोन में अपने फोटो को एडिटिंग करना है उस वाले कलर टोन के अंदर आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर एक क्लिक के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। और फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, डन के आइकॉन पर टैप करके, शेयर वाला ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर क्या करना है, सेव कॉपी टू डिवाइस के आइकॉन पर टैप करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर इजीली सेव कर सकते हो।